बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड क्लिनिकल कोरिलेशन अबाउट द विटामिन के। सो विटामिन के की अगर हम बात करें ना, तो विटामिन जो के है ना, ये एक इम्पोर्टेंट विटामिन है और इसकी अकरेंस तीन फॉर्म के अंदर है। एक विटामिन के वन फॉर्म के अंदर, एक विटामिन के टू और एक विटामिन के थ्री। जो के वन और के टू है ना, ये दोनों नेचुरली अकरिंग है, और जो के थ्री फॉर्म है ये आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है। जो विटामिन के वन है ये फाइलोक्विनोन है, जो विटामिन के टू है ये मैनाक्विनोन है, और जो विटामिन के थ्री है ये मैनेडिनोन है। ठीक है, ये जो विटामिन के वन है इसका जो सोर्स है ये प्लांट्स है, प्लांट्स से ली जाती है, और ये डाइट्री फॉर्म के अंदर मेजरली यही पाई जाती है। विटामिन के टू होती है वो एनिमल के अंदर से बनाई जाती है, एनिमल का जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो इसको बनाता है, और जो विटामिन के थ्री है ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो विटामिन के है ये वाहिद वो वाली फैट सोलिबल विटामिन है जिसकी स्पेसिफिक कोएंजाइम एक्टिविटी है, और ये ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उसकी जो है ना कार्बोक्सिलेशन, वो जो इंजाइम करता है ये उसके लिए को फैक्टर के तौर पे काम कर रही होती है आपके पास। को फैक्टर कह लें या को इंजाइम के तौर पे काम कर रही होती है आपके पास। और ये जर्मन वर्ड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन की आप बात करें तो वहाँ पे आप देखते हैं कोएगुलेशन का जो के से ही हमने इसको ड्राइव करके विटामिन के कह दिया है। तो हमने देख लिया कि इसकी तीन फॉर्म होती हैं और ये तीन डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जो विटामिन के वन है इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, ये प्लांट्स के अंदर होती है, अल्फा अल्फा के लीव से हम इसको आइसोलेट करते हैं, और इसकी साइड चेन होता है फर्टाइल होता है। ठीक है, जो विटामिन के टू है ये मैनाक्विनोन होता है, और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और एनिमल के अंदर पाई जाती है। दरअसल हमारी ये जो विटामिन है ना, ये वाली विटामिन के, जो विटामिन के है ये हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो ख़ुद भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और कुछ हम इसको प्लांट के सोर्स से भी ले रहे होते हैं। जैसे विटामिन के वन है ये हमारा चीफ डाइट्री सोर्स, अगर हमने बाहर से ऑब्टेन करनी है तो हम इसको फाइलोक्विनोन की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि इसने बनना है, तो वो ये मैनाक्विनोन की फॉर्म के अंदर बन रही होती है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है वो इसको बना रहा होता है, और इसके पास आइसोप्रीनाइल की साइड चेन है। जो विटामिन के थ्री है ये मैनेडिनोन है, तो ये सिंथेटिक फॉर्म होती है और इसके पास कोई साइड चेन नहीं होती, ये वाटर सोलिबल भी होता है। और बाकी इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं, यानी कि जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस लिहाज से कि हम इन्हें फुल डिटेल में डिस्कस करें। आगे चलते हैं, हम ये तीनों का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, विटामिन के वन है, फाइलोक्विनोन है, विटामिन के टू है, और फिर आपके पास एट द एंड विटामिन के थ्री है। अभी आप तक आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट से कौन सी डिराइव्ड है, फिर एनिमल का ओरिजिन किसका है, और फिर आर्टिफिशियल कौन सी बन रही है, और साइड चेन हमारे पास विटामिन के थ्री में नहीं होती, और ये तीनों का स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन में, तो जो विटामिन के की अब्जॉर्प्शन होती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन के अंदर हो जाती है, और जो इसकी अब्जॉर्प्शन है उसके लिए आपको बाइल साल्ट्स की ज़रूरत होती है विटामिन के वन और के टू के लिए। जो के थ्री होती है उसको बाइल साल्ट की ज़रूरत नहीं होती है आपके पास। और ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है ये आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म के अंदर। जो म्यूकोजल सेल होते हैं वो इसे लीवर तक लेके जाते हैं, इंटेस्टाइन से लीवर तक का जो इसका सफ़र है उसके अंदर इसके साथ कौन होते हैं, ये काइलोमाइक्रोन्स के साथ बाइंड करके जा रही होती है। अच्छा, अब हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि विटामिन के स्टोर कहाँ पे होती है। तो विटामिन जो के है ये लीवर के अंदर स्टोर होती है, और ये बात भी हमने याद रखनी है कि जिन की इसने कार्बोक्सिलेशन करनी है वो भी, जो कार्बोक्सिलेशन के लिए जो होंगे ना कोएगुलेशन फैक्टर, वो भी लीवर ही बना रहा होगा, और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर स्प्लीन और स्केलेटल मसल के अंदर भी मौजूद होती है। तो विटामिन के की हमने बात करी कि ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, वहाँ पर इसको ले जाने वाली जो व्हीकल है इसकी, वो बीटा लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि लो डेंसिटी लिपिड्स की क्लास है। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने इसकी स्टोरेज देख ली, हमने इसकी ट्रांसपोर्ट देख ली, अब हम इसकी मेन फंक्शंस और क्लिनिकल कोरिलेट की तरफ आते हैं कि जो विटामिन के फंक्शन है ना वो क्या है। पहली बात है कि इसने गैमा कार्बोक्सिलेशन करनी है, फिर इसने प्रोथ्रोम्बिन का इंट्रैक्शन बढ़ाना है मेम्ब्रेन के साथ, फिर हमने ये बताना है कि जो गैमा कार्बोक्सिलेट ग्लूटामेट होते हैं ना, वो रेजिड्यूज़
दूसरे प्रोटीन्स के अंदर भी होते हैं, यानी कि इसका जो चीफली फंक्शन है ना, हम ये नहीं कह सकते कि चीफ इसका फंक्शन ब्लड क्लोटिंग के साथ रिलेटेड है, मेनली ब्लड क्लोटिंग के साथ रिलेटेड है, लेकिन जैसे ओस्टियोकैल्सिन की फॉर्म में ये बोन्स में होती है और नेफ्रोकैल्सिन की फॉर्म में ये किडनी में होती है, और इसके साथ ग्रोथ जो अरेस्ट स्पेसिफिक जीन होता है उसकी फॉर्म में ये दूसरी जगह पर भी बॉडी में रोल जो है ना अपना परफॉर्म कर रही होती है। तो फंक्शन ऑफ विटामिन के हम देख लेने हैं, हमने देख लेने हैं कि वो ब्लड क्लोटिंग के साथ कंसर्न है मेनली। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करती है कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स की। क्या जी? लीवर है, लीवर के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बन रहे हैं, वहाँ से जैसे ही ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बाहर आते हैं तो ये वहाँ पर ही उनकी क्या कर देती है, कार्बोक्सिलेशन कर देती है, उनके साथ जो उनका गैमा ग्लूटामाइल रीजन होता है ना वहाँ पर, यानी कि जो वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यूज़ होते हैं वहाँ पर जाके ये उनकी कार्बोक्सिलेशन कर देती है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करती है। अब कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर हैं जी? पहली बात वो वाले क्लोटिंग फैक्टर होंगे जो लीवर में बन रहे हैं जी। लीवर के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 होता है, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं इनएक्टिव प्रीकर्सर की फॉर्म में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि प्रोथ्रोम्बिन भी जो है ना, प्रोथ्रोम्बिन वो भी इसके साथ ही, यानी कि इसके ज़ेरे असर आता है जब ये कार्बोक्सिलेशन करती है। इसका मेन फंक्शन हमने जो याद रखना है वो यही याद रखना है हमने कि इसका मेन फंक्शन कार्बोक्सिलेशन करना ही है, ठीक है। विटामिन के को एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है, कौन से एंजाइम के लिए या कौन से प्रोसेस के लिए? प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, और जो कि प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलेज जो इसको कैटालाइज करता है, ये उसके लिए कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। इसने ग्लूटामेट को गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और इसके साथ विटामिन के भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी इनहिबिशन भी होती है, क्योंकि विटामिन के दो दुश्मन आपने याद रखने हैं, एक ड्यूक्यूमेरोल और एक आपने याद रखना है वारफेरिन। ड्यूक्यूमेरोल एंड वारफेरिन है, ये दोनों ही इसके एक ऐसे एनालॉग हैं जो कि इसके एंटागनिस्ट हैं, ये हम बात करेंगे बाद में। वारफेरिन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया जी, कि वारफेरिन सिंथेटिक एनालॉग है जो कि इनहिबिट करता है विटामिन के एक्शन को, ये विटामिन के एक्शन को एक एंजाइम को ब्लॉक करके करता है, वो भी हम देखते हैं जी। तो रोल क्या है जी क्लोटिंग के अंदर? अब क्लोटिंग के अंदर जो रोल है ना विटामिन के का, वो हम डिटेल से देखते हैं। जो गैमा ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज होते हैं ना क्लोटिंग फैक्टर के, देखें क्लोटिंग फैक्टर लीवर के अंदर बना, लीवर से क्लोटिंग फैक्टर यानी कि 2, 7, 9 और 10 वाले फैक्टर, अब ये इनकी जब कार्बोक्सिलेशन होगी ना तो इनके ऊपर दो कार्बोक्सिल ग्रुप लग गए, जब दो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएंगे ना, हम ये देखते हैं आगे फिगर के अंदर, यहाँ पे ये बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है इस फिगर के अंदर कि ये है हमारे पास प्रीकर्सर है क्लोटिंग फैक्टर के। जैसे ही ये सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, विटामिन जो के होती है ये आके कैटालाइज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन आती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे दो कार्बोक्सिल के जो रेजिड्यूज़ हैं इनके साथ आके अटैच हो गए हैं, लिपिन कोट की बेहतरीन पिक्चर है। फिर क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिल आ गए हैं इनके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज हमें नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छे चीलेटर्स हैं, इन्होंने कैल्शियम को चीलेट कर लेना है, कैल्शियम को अपने साथ अटैच कर लेना है। जब कैल्शियम इनके साथ आके अटैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कैल्शियम की इनके साथ अटैचमेंट होगी तो अब ये बड़ी आसानी से जो मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलिपिड जो कि नेगेटिवली चार्ज पड़े हुए हैं ये उनके साथ जाके बड़ी आसानी से अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोटिंग फैक्टर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे तो जो इनकी एक्टिविटी है ना कि इन्होंने इंक्रीज़ करना है, इन्होंने इन्हेंस करना है, प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये बड़ी आसानी से उसको कन्वर्ट कर देंगे आपके पास। विटामिन के की साइकिल क्या है, इसकी कहानी पूरी की पूरी, कि विटामिन बेचारी के साथ होता क्या है, ये कार्बोक्सिलेज को आपके पास उसके लिए कोई एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है और प्रोटीन के जो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ हैं उनको कार्बोक्सिलेटेड करा देती है और ख़ुद बेचारी एपोक्साइड फॉर्म के अंदर चली जाती है। विटामिन के जब एपोक्साइड फॉर्म के अंदर चली जाती है तो इसको फिर क्या किया जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं एपोक्साइड फॉर्म में जाती है और फिर इसको एक स्पेसिफिक रिडक्टेज होता है, लेकिन ये रिडक्टेज की एक खामी ये है कि ये ना वारफेरिन से सेंसिटिव होता है, तो यानी कि अगर वारफेरिन होगी तो ये रिडक्टेज अपना काम करना छोड़ देगा, तो बेचारी फिर आगे क्विनोन फॉर्म में जाती है और फिर वहाँ का आगे एक और रिडक्शन करने वाला जो एंजाइम है ना ये इंडिपेंडेंट है वारफेरिन से, ये जो रिडक्टेज ये वाला रिडक्टेज है ना ये बहुत तेज़ है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी से नहीं डरता और ये इसे डायरेक्ट विटामिन के फॉर्म या हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर भेज देता है आपके पास, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्लिनिकल को रिलेट अगर हम निकालना चाहें तो वो ये है कि अगर ड्यूक्यूमेरोल या फिर वारफेरिन अगर हमने ऐड कर दी या फिर ब्लड के अंदर या विटामिन के कम हुई
या आपके पास डिक्यूमेरोल या वारफेरिन आ गई, तो ये क्या करेंगे, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, ये एंजाइम होता है आपके पास, या विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज जो ये वाला एंजाइम है ना, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ये वाला जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगी। जब ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो क्विनोन फॉर्म तो बनेगी नहीं, एपोक्साइड फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेगी, और फिर यही ये जो है ना, ये एक्सक्रीट होगी हमारी बॉडी से डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लिनिकल कंडीशन बन जाएगी, इसका हल क्या है कि यानी कि पहली बात तो हमने ये देखना है कि डिक्यूमेरोल और वारफेरिन हमारे ब्लड के अंदर आ गई, हमारी बॉडी के अंदर आ गई, इन्होंने आके इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम विटामिन को जो विटामिन किया उसको क्विनोन फॉर्म के अंदर लेंगे। जो क्विनोन फॉर्म है उसका जो आगे रिडक्टेज है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो इसे डायरेक्टली हाइड्रोक्विनोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह हमारे पास सबसिक्वेंट हम इसका भी इनटेक करते रहेंगे, और इधर से इसकी भी इस फॉर्म के अंदर जो है ना एक्सक्रीशन वो भी होती रहेगी, ठीक है। तो विटामिन के दूसरी जगह पर भी है, सारा काम ये कलोटी में कर देगी, तो बाकी काम किसने करने हैं इसके, तो ये ऑस्टियोकैल्शियम के अंदर होती है, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, बोन के अंदर होता है। दरअसल ये वो वाला होता है जब बोन्स की कैपिलरीज में से ब्लड गुजरता है, तो उसके अंदर जो कैल्शियम होता है ना, ये बड़ा तेज़ है, ये उसको ट्रैप कर लेता है, और जो ऑस्टियोकैल्शियम होता है ये रेगुलेशन ऑफ बोन की मिनरलाइजेशन में है जी, और ये बाइंड करता है हाइड्रोक्सीएपेटाइड और बोन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है आपके पास, ठीक है। और विटामिन के बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे इसका रोल है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, और इसके एंटेगनिस्ट आ गए डिक्यूमेरोल होगा जी, और ये अनकपलर होते हैं आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के। इसके डाइटरी सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से इसको किया जाता है आपके पास, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डेफिशिएंसी क्या है, जब एक न्यू बोर्न होता है, यानी कि न्यू बोर्न एक बेबी है, और वो जो है ना उसके अंदर जो उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो तो बिल्कुल स्टेराइल होता है, यानी कि इंटेस्टाइन बिल्कुल स्टेराइल है, अभी उसने कोई फूड इंटेक की नहीं, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह कैसे आएंगे। तो वहाँ पे और विटामिन के जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस भी बहुत कम करती है, तो उसके पास अब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए न्यूबॉर्न को विटामिन के दी जानी चाहिए, ठीक है। इसकी इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन हो सकती है अगर बाइली ऑब्स्ट्रक्शन होगी या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ होगी आपके पास। ट्रायल बैक्टीरियल फ्लोरा जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक भी हो सकता है आपके पास, यानी कि आपने एंटीबायोटिक्स लगा दी और जो बैक्टीरिया था इंटेस्टाइन के अंदर जो विटामिन के बनाने की जिसकी जिम्मेदारी थी वो आपके पास क्या हो गया, वो डेड हो गया, तो फिर आपके पास नॉन एबिलिटी हो सकती है विटामिन के की, तो प्रोलोंगेशन हो जाएगी आपके पास ब्रीडिंग की, क्योंकि आपके पास फैक्टर जो है ना ब्रीडिंग के लिए जो आपको रिक्वायर्ड फैक्टर हैं वो इतने अच्छे है ही नहीं कि वो कार्बोक्सिलेटेड हुए हों, उनकी एक्टिविटी अच्छी तरह से हो सके। ऊपर से प्रोथ्रोम्बिन को भी आपने वो नहीं किया कि वो जाके अच्छी तरह से अटैच हो जाए, और अटैच होने के बाद वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन करे, जल्दी से बन जाए। तो प्रोथ्रोम्बिन का टाइम जो आप देखोगे, आप वो देखोगे कि वो बढ़ा हुआ है, इंडेक्स होता है लीवर फंक्शन को चेक करने का, तो लीवर का फंक्शन भी कम हो जाएगा आपके पास, और डेफिशिएंट सेंसेस होती है कोएगुलेशन फैक्टर की। तो आपने विटामिन के को इंजेक्शन लगाने हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ताकि आप प्रोथ्रोम्बिन को नॉर्मल लेवल के पर ले आओ। तो जी ये है विटामिन के डेफिशिएंसी, स्पॉन्टेनियस जो हेमरेज होते हैं ना, ये वो बर्ड है जो कि अफेक्टेड है जी आपके पास स्पॉन्टेनियस हेमरेज से, और ये नॉर्मल विटामिन के सफिशेंटली जिसने बर्ड ने इनटेक की हुई है या फिर जिसकी इनटेक पूरी है, ये उसकी पिक्चर है। और ये है स्पॉन्टेनियस जो हेमरेज होते हैं ना न्यू बोर्न के ब्रेन के अंदर, ये दिखाया हुआ है उन्होंने पिक्चर कि न्यू बोर्न का जो ब्रेन है ना वहाँ पे हेमरेज होने लग जाता है अगर विटामिन के सफिशेंटली मौजूद ना हो। और जो न्यू बोर्न है ना इसको जो ब्रेस्ट मिल्क से जो विटामिन के मिलती है ना वो 1/5 इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, इसलिए इसको इंट्रा मस्कुलरली विटामिन के भी देनी चाहिए। इसकी कोई ख़ास जो है ना टॉक्सिसिटी जो है विटामिन के की नहीं देखी गई, लेकिन ये है कि जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर हीमोलिटिक एनीमिया और जॉइंटस वगैरह खास कर देती है आपके पास।